नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटिन भानु और आपका चैनल एडवर्ट टेक्स पर स्वागत है। मित्रों, ये हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज है यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीएससीज एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है मित्रों, मैं इसके अलावा फिलहाल क्लास 8 का एनसीईआरटी भी अपलोड कर रहा हूं, तो जिनका भी मैथ्स कमज़ोर हो और मैथ्स की लाइन में कुछ करना चाहते हो तो उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वो 8 से 12वां तक जाएगा, बट अगर कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है कंपटीशन एग्जाम के लिए तो 10 तक का मैथ्स मैथ्स उसके लिए काफ़ी है, तो वो मैं कवर करूँगा एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, वो चालू है और ये नया सीरीज हम लोग लेक्चर सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें मैं स्टेट पीएससी, यूपीएससी और जो भी जनरल नॉलेज के जहाँ पे सवाल आते हैं जिस भी एग्जाम्स में, उसके लिए एक रिविज़न सीरीज़ है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, कहीं कोचिंग में पढ़ी हो या खुद से ही पढ़ा हो, एक नोट्स आपके पास होगा, बस उसमें कुछ जो फैक्ट्स हैं मैं उसको पॉइंट करता जाऊंगा, आप उसको ऐड ऑन करते चलें या फिर आप अपना नोट्स भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसा जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फोकस वाली चीज़ होगी उसमें मैं पॉइंट आउट करता चलूँगा। ठीक है मित्रों, तो ये हिस्ट्री का ही पूरा सीरीज़ है, राइट है, जिसमें ये पहला लेक्चर है, राइट। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री जो है वो कैसे बांटा गया है, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन टाइप का चीज़ होना चाहिए, तो मैं वो बताते चलता हूँ और कैसा हम लोग फॉलो करेंगे पूरे सीरीज़ में वो भी आपको इसमें दिख जाएगा। तो पहले आता है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में कितने पार्ट्स हैं अपने पास? एंशंट, उसके बाद मेडाइवल, उसके बाद मॉडर्न, ठीक है, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इसमें अभी हम लोग डेल्व नहीं करेंगे, ये हमारा लास्ट में आएगा, पहले हम ये तीन को पढ़ेंगे और उसके बाद, क्योंकि ये जनरली आपके एग्ज़ाम के इसमें नहीं रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, तो इसको हम लोग लेटर डील करेंगे। ठीक है मित्रों, तो इसमें सबसे पहला आता है अपना एंशियंट। तो एंशियंट क्या है ना, कि जितना समय से हमको पता है, मान लेते हैं इनफाइनाइट समय, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ से आकर के 0 BC तक आएगा और अप टू 1200 के अराउंड। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि 1192 में अपना सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, हम इसका ही अभी ओवरव्यू लेंगे, इसका जब बारी आएगा तो उसका हम तब ओवरव्यू लेंगे। सेकंड बैटल ऑफ ऑफ तराइन, तराइन कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त हो गई थी यहाँ पे, तो यहाँ तक हम लोग मान के चलते हैं कि एक ये मेजर चेंज था इस पॉइंट पे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, राइट। तो यहाँ तक हम मान के चलते हैं एंशियंट है, इसके बाद से लेकर के, इसका अभी एक छोटा सा ये बता दूँ मैं कि मेडिवल कहाँ से रहेगा, कि 1200 से लेकर के 1200 से लेकर के आपका 1757 तक रहेगा। ठीक है, 1757 में क्या हुआ था? ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, यहां से क्या हुआ था, अंग्रेज को दीवानी राइट्स मिल गए थे, बीबीओ जो बंगाल बिहार एंड उड़ीसा का जो कहते हैं, वो उनको दीवानी राइट्स मिल गया था, और यहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट डायरेक्टली घुसने लग गए थे। अभी तक वो 1757 तक वो लोग जनरली ट्रेडर की तरह काम करते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इंटर करते चले गए और अल्टीमेटली वही थे जो इन्होंने पावर ट्रांसफ़र किया। और ये जो है आपका 1757 से लेके 1947, ठीक है, जब तक हमारा संविधान बना, तो ये एक लंबा समय चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि बीच के कुछ फेज़ होंगे अपने पास। ठीक है, जो काम करनी है उसको मैं हटा देता हूँ। इसका क्या था, इसका था अपने पास लेकर के अप टू 1200। ठीक है, अब इसमें क्या था कि बीच का कुछ फेज था। बीच का फेज क्या होता है कि कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि इसके बाद से बोल देंगे हम मेडाइवल शुरू हो गया, 1200 बोल के चल रहे हैं, बट थोड़ा
तुरंत से मेडिवल नहीं हो गया था, वो एक ऐसा था कि ओवर द टाइम ऑफ 200-300 ईयर्स ये ट्रांजिशन होता है। ये ट्रांजिशन यहाँ पे ना आपको 1000 से लेकर के 1200 के बीच में आपको ट्रांजिशन फेज मिलता है, जिसमें मान के चलते हैं कि ये आपका यही है एंशियंटी का पार्ट मान के चलते हैं, बट ये ऐसा है ट्रांजिशन फेज था कि ये मेडिवल पीरियड में ट्रांजिशन हो रहा था। इसमें क्या था कि इसमें आपका 1498 में वास्को डा गामा आया था, राइट, कलिकट पे 1458 में आया था। तब यहाँ से लेकर के अपन 200 साल लगभग, 1400 तो नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा अर्ली हो गया, यहाँ पे ये आ गए थे, बट समवेयर अराउंड आप देख लेंगे कि 1700, सॉरी 1700 नहीं, 1500 लगभग से, आप समझ लीजिए 1525-30-50 रख लीजिए, अकबर के आसपास आने से लेकर के 1757, ये भी इसमें भी ट्रांजिशन फेज चल रहा था। क्यों ट्रांजिशन फेज चल रहा था? क्योंकि देश में है ना डेवलपमेंट्स जो अलग टाइप की होती, जो वेस्टर्न डेवलपमेंट्स थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये सब आने लग गया था, और ये अंग्रेज अपनी पकड़ बनाते भी धीरे धीरे चले गए थे। तो अंग्रेज मेजरली ये बनाते हैं आपका 1707 के बाद से। औरंगजेब जो था कैसा भी शासक था, बट उसका स्ट्रांग होल्ड बहुत ये था, मतलब पूरे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उसका बहुत स्ट्रांग ये था कि उसके सामने एक बार ब्रिटिश से उसकी लड़ाई भी हुई थी और ब्रिटिश को उसने चारों खाने चित करके भगाया था। ठीक है, तो 1707 तक ये जो समय है वो आपका ट्रांजिशन फेज में मान के चलते हैं। थोड़ा और इसको कम कर लें, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि आप किसको ट्रांजिशन फेज बोलेंगे, बट ये कहने की बात है कि 1757, चूंकि ये बीबीओ राइट्स मिल गया इसको, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि 1707 में ही मॉडर्न शुरू हो जाता है। तो 1707 मान लीजिए औरंगजेब को डेथ के बाद से, बट औरंगजेब के डेथ के बाद से अचानक से ना एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। ठीक है, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता चला गया, क्योंकि ढंग के कोई रूलर्स नहीं आए, सबके अपने अपने एम्बिशंस थे, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, या फिर मैसूर था, या फिर आपका मैसूर तो खैर अलग थोड़ा हो जाता है, आपका अवध था, बंगाल का निज़ाम था, तो उनका जो ये है ना अपना एस्पिरेशन और उनका जो ये था कि हमको भी राजा बनना है, तो वो धीरे धीरे सामने आता है। तो ये आपको 1707 से 1757 के बीच में बहुत ज़्यादा मुगल कमज़ोर हो जाती है और रीजनल पावर्स का ना राइज हो जाता है, राइट। तो इस पीरियड को हम बोल सकते हैं समवेयर अराउंड, आप समझ लीजिए ना कि 1665 के आसपास रख लीजिए, 1665 के आसपास रख लीजिए, यहाँ से आपका ट्रांजिशन शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि ब्रिटिश मुगल को तो कुछ नहीं कर पाते हैं, बट एक समय ये जो था जो नीचे के जो रूलर्स थे उनको धीरे धीरे करके वो लोग कमज़ोर करते चले जाते हैं। तो ट्रांजिशन फेज शुरू हो गया था, ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं हुआ था। इसमें भी आप देखेंगे कि इस पोर्शन में भी देखेंगे कि अपना जो शासक थे देश में वो शासन चला रहे थे, लेकिन मेजर ब्लो यहाँ पर मिलता है 1192 में। इसमें भी क्या था कि मेजर ब्लो आपका यहाँ पर मिलता है 1757 में। इससे पहले जो भी हुक्मरान थे, जो भी निज़ाम थे, वो अपना शासन चला रहे थे। तो मेजर ब्लो का पॉइंट 1192 इस केस में है और इसमें 1757 का पॉइंट है। ठीक है, बाकी अब ट्रांजिशन जो आप बोल रहे हैं कि भाई वो गाड़ी आने लग गई, थोड़ा ट्रेड वगैरह बढ़ने लग गया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा मिडिल पीरियड में, इंटरमीडिएट पीरियड में। ठीक है, तो पहले हम लोग एंशिएंट से शुरू करते हैं। एंशिएंट में क्या है कि अपन इसको कुछ भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये समय है, किसी ने अगर महाभारत देखा हो, बी आर चोपड़ा का पुराना महाभारत एक सीरीज था आपका 1980s का आई थिंक, तो उसमें क्या था ना, एक वो बैठे होते थे, एक आकृति बैठी होती थी, वो बोलता था कि मैं समय हूँ। ठीक है, तो ये समय ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है ना, ये समय है, टाइम है, राइट, ये ऐसा चलता जा रहा है। तो क्या है कि मैं वही आकृति हूँ जो वो कहता है मैं समय हूँ, ये टाइमलाइन है आपका। ठीक है, ये मान लेते हैं 1947 है। ठीक है, ये थोड़ा पीछे आएंगे आप देख लेंगे 1757 है, बीच में 1857 रख लीजिए, बड़ा बहुत बड़ा अपराइज हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप चलते चले जाएंगे, तो अब जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ते जाएंगे ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम, जो 1947 जो एंड ऑफ टाइम बोल रहे हैं उन्हें, उसके बाद ही समय चल रहा है बट हमको वहीं तक पढ़ना है, तो हम उसको एंड ऑफ टाइम मान के चलते हैं। जैसे ही आप नज़दीक पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि मटेरियल बढ़ता जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक
है, जितना पीछे चलते जाएंगे मटेरियल कम मिलता जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले टाइम में जो कंसिस्टेंसी का गैप था, कंसिस्टेंसी का जो गैप था वो ज़्यादा था। कहने का ये मतलब है कि कंसिस्टेंसी जो था वो लंबे समय तक रहता था, और अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आप 1700 के बाद से आएंगे तो कंसिस्टेंसी जो है वो घटता चला जाएगा। तुरंत तुरंत चीज़ें होंगी, ठीक है, अब बहादुर शाह बनेगा, मोहम्मद ये, उसके बाद फारूक सियार बनेगा, फिर उसके बाद सारंगीला बनेगा, और उस समय उसका अटैक हो जाता है, दुरानी का अटैक हो जाता है उधर से अफगानिस्तान से, ठीक है, 1737 38 के आसपास में। फिर 1757 बेटर प्लासी के बाद वो ले लेता है, फिर 64 बक्सर हो जाता है, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। तो वो काफ़ी जो कंसिस्टेंसी थी ना वो ज़्यादा लंबा समय नहीं चलता, छोटा छोटा टाइम में चलता है, 100-200 साल का कंसिस्टेंसी आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग एंसेंट को शुरू कर रहे थे, तो ये समय था, तो समय के टाइमलाइन में हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को हम बोलेंगे, या यहाँ से ये पहला पार्ट शुरू होता है, ठीक है, इस पहले पार्ट को, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा समय चलता है ना। ठीक है, ये मान लेते हैं थोड़ा ज़्यादा लंबे समय अभी मान ही लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, पैलोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, उसके बाद आयरन एज, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ख़त्म हो गया दूसरा शुरू होगा, जैसे क्लासेस में अपने क्लासेस में स्कूल टाइम में पीरियड्स होते थे, तो पीरियड्स में एक पीरियड ख़त्म हुआ दूसरा पीरियड शुरू हुआ, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसा चलता था, वैसा नहीं है कि एग्जैक्ट कहीं ख़त्म हो रहा है, वो कंटिन्यू ओवरलैप कर सकते हैं चीज़, ठीक है। तो उसको भी हम देखते चलेंगे उसी लाइन में, पहले इसको किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडस वैली देखेंगे, इंडस वैली मेलुहा सिविलाइजेशन और था अपना, ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली देखेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ था, अप टू ये 3000, ये था 3000 का समय था, BC में चल रहा है ये, है ना, 3000 BC, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका 3000 BC के आसपास का समय था। इंडस वैली को हम 1500 पे ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया उस टाइम पे, बट ऐसा मान के चलिए कि वहाँ पे मोटा मोटी हम उसको ख़त्म मान लेते हैं। किसी भी शासन में जब ख़त्म होता है ना, जैसे कहते हैं कि 1857 में तो खैर मुगल पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, बट जब आप ऐसा देखते हैं ना कि गुप्त वंश देखते हैं, या ये देखते हैं ना अशोक का ये देखते हैं, टाइमलाइन देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वो एज अ बिग रूलर नहीं रह गए थे, बट छोटे रूलर स्टिल रह गए थे, ठीक है, अपने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ नोट से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग पर्सनैलिटी एज ए पर्सनैलिटी नहीं रह जाते कि उनके बारे में कुछ पढ़ा जाए, बट स्टिल वो रिड्यूस होकर के एक छोटे मनसबदार या उस टाइप के जो बोल सकते ज़मींदार टाइप के चीज़ जो है वो रह जाते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो 1857 में ही हुआ था कि ब्रिटिश ने कि फिर कोई क्लेम करने ने आ जाए लाल किला पर कि भाई मैं मुगल का शासक हूँ, उन्होंने सबको मार गिराया, उसके बेटे पोते जो भी थे दूर दूर तक जितने रिश्तेदार थे सबको मार गिराया, एकाध कोई जिंदा बचा हुआ हैदराबाद में चाय बेच रहे हैं वो लोग जो क्लेम करते हैं, अब बाकी भगवान जाने इस क्या सही क्या गलत, ठीक है। इसमें थोड़ा और आगे आप बढ़ते हैं, तो ये आता है आपका 1000 BC। अब ये 3015 इंद्र वैली था, ये आपका क्या था, ये 1000 BC, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, अर्ली वैदिक आ जाता है, अर्ली वैदिक, ठीक है, 1000 से 500 क्या आ जाता है आपका, लेटर वैदिक। हम इसमें टोटली भारत सरकार या NCERTs या जो भी अपना प्रॉपर हिस्ट्री है उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है, जो भी आजकल डिबेट चल रहा है देश में, एडम ईव और जो भी उस तरह की डिबेट्स हैं, हमारे जो राम जी थे या कृष्ण जी थे उनके बारे में जो भी डिस्कशंस हैं उनको हम इससे अभी साइड रखेंगे, ठीक है, वो सही है वो गलत है वो अपनी जगह है, बट चूंकि बुक में नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1500 500 के बाद आता है आपका 300 300 मान लेते हैं मोटा मोटी, एग्जैक्ट टाइम हम लिख के नहीं चल रहे हैं, ये 500 से 300 क्या था, ये आपका मगध एम्पायर, मगध एम्पायर तो अभी बड़ा था, मतलब अप टू ये था, उसको भी लिख ही लो ना, समवेयर अप टू 100 BC लिख लेते हैं, 100, ये BC में ही चल रहे हैं अभी हम लोग, है ना, 100 BC चलते हैं, ये मगध एम्पायर था, मगध, ठीक है। इसमें एक लास्ट जो फेज था ना, लास्ट फेज नहीं, उससे पहले ही कुछ फेज तक समझिए आप, ये आपका अपना ये था मौर्य था यहाँ पे, ठीक है, 100 100 BC में चल रहा है, ये सब BC में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अपन आ जाते हैं 100 BC से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 300 CE तक, 300 CE या AD, अब इधर जो है वो AD आएगा,
ये पोर्शन क्या था, एक बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं बोलेंगे, कभी सुनवा आए कभी कनवा आए, फिर सुंगा था ना, पुष्यमित्र सुंगा था, कनवा था, और भी कुछ कुछ ऐसे राजा का नाम आएगा, मिनेंद्र का नाम आता है, फिर आपको कनिष्क का नाम आता है। तो चूंकि ये ओवरऑल कोई बहुत होल ऑफ इंडिया का ये नहीं था, तो हम इसको एज अ ये मान के चलते हैं कि इसमें एक नॉन स्टेबिलिटी का फेज था। ठीक है, नॉन स्टेबिलिटी का फेज था, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं था पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और दूसरी बात, एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना आपको भूल गया, मैंने जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अपना आ जाता है इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, ये तो अपने ही तीनों कंट्रीज हैं, अखंड भारत। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास नेपाल और भूटान, मान सकते हैं, बट अपने हिस्ट्री में उतने इम्पोर्टेंट एज अ कंट्री वो नहीं है, कहीं पे एक आधी लिंक है, ये आपका सिनौली का ट्रीटी था 1826 के आसपास, 1816 के आसपास, 16 के था, ठीक है, वो जिसका कारण वो काली नदी पे कुछ बहस चल रहा था एक आध साल 2 साल पहले, कि भाई ये इंडिया में नहीं है, ये अपना नेपाल का ये लगता है, उत्तराखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना उस पर कुछ बहस था टेरिटरी को लेकर के। ठीक है, वो भी देख लेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे, बट एज ए भूटान का तो कहीं जिक्र नहीं है, और नेपाल का बस एक जगह ही आता है कि जब वो एंग्लो गोरखा वार टाइप का कुछ होता है तो ये आता है, वो भी आपका 19th सेंचुरी में है, 1816 के आसपास की वो बातें हैं, तो वो अपन मॉडर्न देख लेंगे, बट मोटा मोटी और कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र अपना सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है और पाकिस्तान का है, ठीक है, खास के बांग्लादेश, क्योंकि सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बांग्लादेश के ही एरिया में होता था, बंगाल जो बोलते थे। ठीक है, ये तीन आ गया, अफगानिस्तान भी आ जाता है, पूरा पूरी नहीं बोलेंगे बट हाँ काफ़ी कुछ आ जाता है, खान अब्दुल गफार खान का आ जाता है, जो रेड आर्मी थी ना उनकी, रेड टी शर्ट वाली आर्मी थी उनकी, ठीक है, खुदाई खिदमतगार जो होते थे, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में फ्रंटियर गांधी जिनको बोला जाता है, तो अफगानिस्तान भी आ जाता है, मोटा मोटी इतना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो अगर इसको अगर थोड़ा मैप पे मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको, तो इंडिया के बाउंड्री नीचे से तो बाउंड्री फिक्स है, हाँ श्रीलंका का भी कहीं और बात नहीं आता है, ये भी जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनके लिए तो कोई ये बहुत बड़ी बातें नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो अपन क्या कह है कि ये देखिए, ये अगर ऐसा आ रहा था ईरान के साइड से, ये कराची वराची वाला एरिया आ रहा था, इधर से अपन गुजरात आ जाता है ना, इधर क्या है अपना सुलेमान और किरथा रेंज है, राइट, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सुलेमान किरथा रेंज ऐसा होते हुए, ठीक है, एक ऐसा कुछ ऐसा बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश अभी स्टैंड करता है, राइट, इसको हम इसको भी हम मान के चलेंगे अपना इंडिया ही है, और ये भी पूरा इंडिया ही है, अखंड भारत। ठीक है, अब इसमें डिबेट मत पड़िएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप मुद्दा समझ रहे होंगे, उतने पे ही फोकस रखिएगा। ठीक है, अपना कुछ ऐसा चलता है, इसमें भी अपना लद्दाख वद्दाख का कोई हिस्सा नहीं दिखता है अपने फ्रीडम मूवमेंट में, कश्मीर तक दिखता है, कश्मीर भी वो भी आपका, हाँ कश्मीर का बढ़िया कुछ दिखता है अपने एंशिएंट में ही दिखता है, कश्मीर का राजतरंगिणी कल्हान का जो था वो लिखा गया था, तो ये सब पूरा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, ये पूरे एरिया की बात हो रही है, कोई भी एरिया इसमें छूटा हुआ नहीं है, अप टू अफगानिस्तान। ठीक है, ठीक है, मतलब आपको ये पूरा एरिया समझ में आ गया, थोड़ा एक बार टाइमलाइन हम लोग मेडिवल तक लेकर चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग मेडिवल के अंत तक ही लेके चलते हैं ना, यहाँ आ गए 300 पे, 300 पे क्या हो गया यहाँ पे, 300 पे क्यों हमने बोला है, क्योंकि यहाँ से गुप्त साम्राज्य चालू होता है, यहाँ से लेकर के आपका थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ से लेके आपका 600 तक रख लीजिए गुप्त साम्राज्य था। अब गुप्ता के बाद 50 साल के लिए आते हैं हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन यहाँ पे 50 ईयर्स के लिए हर्षा आता है, ठीक, बट ये फेज में क्या था ना कि आपका गुप्ता खत्म नहीं हुआ था, गुप्ता बहुत ज़्यादा एक उसका जो मतलब वंशज था वो बहुत छोटे से एरिया में शासन कर रहा था, जो मोस्टली बिहार के आसपास का ही एरिया होता था, ठीक है, और वो भी ऐसा फ्यूडेटरी बोल सकते हैं, किसी बड़े राजा के अंडर में वो काम कर रहे थे, वैसा ही कुछ हो गया था उनकी, ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी वंशिक वंश खत्म हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, हाँ उनका एम्पायर खत्म हो गया था, ये अपनी हिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है। तो हर्षा क्या था, 650 था, अभी 650 के बाद है ना, एक 1000 तक, समवेयर अराउंड 1000, पता नहीं वहाँ तक जगह कम ना पड़ जाए ना,
यहाँ से लेकर के 1000 तक का जो समय था, इसमें अपन को क्या तीन चार शासन काल में मिलता है, ये मान लेते हैं 1000 है, ठीक है 1000 है। अभी 1000 तक में इसमें क्या मिलता है, एक राष्ट्रकूटास मिलते हैं, राष्ट्रकूट जो बोलते हैं, दूसरा आपको मिलता है सेन वंश मिलता है बंगाल से, तीसरा आपको ये मिलता है नीचे राष्ट्रकूट गुज्जर परिहार मिलता है, गुज्जर परिहार प्रतिहार मिलता है, ठीक है। बहुत मैंने बड़े बड़े ये एम्पायर थे, मतलब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जितना ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने आप में काफ़ी बड़े थे। आपने वो पढ़ा होगा दुआब रीजन कन्नौज के लिए जो मार कर रहे थे, ट्राइपार्टाइट कुछ था ना, ट्राइपार्टाइट बैटल, ठीक है, कि मेरे को कन्नौज चाहिए, मेरे को कन्नौज चाहिए, मेरे को कन्नौज चाहिए, ठीक है। तो पटना से जब ये कैपिटल हटा मोस्टली, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है पटना, पाटलिपुत्रा वाला जो एरिया, वहाँ से जब ये हटा तो वो कन्नौज पहुँचा, ठीक है ठीक है। अभी 1000 तक आ गए, 1000 से हम लोग मोटा मोटी 1200 तक का ये समय है। इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा एम्पायर कोई देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलता है, एकाध का शुरू हो गया था, विजयनगर एम्पायर वगैरह का शुरू हो गया था जो कि कुछ आगे तक गया था, बट अपन बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स का नाम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है अपने को, ठीक है मित्रों। इसमें आपको ये सब चौहान मिल जाएंगे, पृथ्वीराज चौहान का ये था, फिर तोमर थे उससे पहले, वैसे करके कुछ कुछ ये थे। हम देखेंगे पॉलिटिकल स्थिति क्या है, और भी कई राजा राजा थे उस टाइम पे, ठीक है ना, जो 1200 का समय था। कोई इतना बहुत सॉलिड जो होता है ना, एक बड़ा एरिया को शासन कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। अभी 1200 से लेकर के, ज़्यादा बड़ा हो गया, 1200 से लेकर के आपका जब हम आ जाते हैं यहाँ पर समवेयर 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो ये आपको बोला जाता है, मैं इसको मुगल को इससे अलग क्यों दिखा रहा हूँ, ये हम मेडाइवल में एंटर कर गए, राइट, अपन अगर देखें तो ये हम 1200 पे मेडाइवल में एंटर कर गए। तो ये जो है यहाँ पर आपका ये मिलता है दिल्ली सल्टनेट मिलता है, दिल्ली सल्तनत। अब इनके साथ नीचे में कौन कौन थे वो हम देखते चलेंगे, इसमें आपको वो मिलेंगे विजयनगर एम्पायर भी मिलता है, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। कोई ऐसा एम्पायर अगर किसी का नाम इसमें छूट गया हो तो अपन जब कवर करेंगे ना तब उसको हम लोग ले लेते चलेंगे, तो इसलिए के लिए परेशान मत होइएगा कि भाई इससे राजा का नाम नहीं लिखा, ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली, ठीक तो ठीक है। 1526, 1526 से लेकर के 1757, 1757 नहीं 1707 तक, ये काफ़ी लंबा समय था, ठीक है, थोड़ा छोटा ही दिखाते हैं कि कुछ और लिखना हो तो स्पेस मिल जाए अपने को, ठीक है। 1500 से लेकर के अपने को ये 1707, 1707 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन चालू हो गया है ना, विजयनगर था यहाँ पर, इसमें मुगल था, ठीक है। ओवर द टाइम मुगल ने पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना शासन कर लिया था, उसके साथ भी कुछ कुछ और थे नीचे में और भी थे, लेकिन मोटा मोटी ये सब समय था। इसके साथ में ये सब बेरार बहमानी ये सब भी इसी समय में आएगा कि, ठीक है, नीचे के जो पांच किंगडम्स थे ना, पांच किंगडम्स कौन कौन से थे, गोलकोंडा था, बेरार था, ठीक है, वैसे अगर पांच थे अभी अपन जब आएंगे तो देख लेंगे, गोलकोंडा बेरार जिनसे उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, पोर्टुगीज के लड़ाई चल रहा था, अब देख लेंगे उसको, तो कोई ऐसा नहीं है, इतने तो नाम हो जाता है ना कि आदमी भूल भी जाता है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते चलिए। 1707 पे आ गए, 1707 से लेकर के 1757 ये पॉलिटिकल डिस्टर्ब टाइम था, इसमें क्या हो रहा था, रीजनल किंगडम्स राइज कर रहे थे, रीजनल किंगडम में कौन कौन से थे, अवध, ठीक है। अवध ने कभी नहीं बोला कि मुगल हमारे शासक नहीं है, अवध ऑल्दो वो इंडिपेंडेंटली काम करते थे बट वो मान के चलते थे मुगल हमारा शासक है। दूसरा आता था अपना बंगाल, बंगाल वाले भी कभी नहीं बोले कि भाई मुगल हमारा शासक नहीं है, मुगल ही हमारा शासक है, ठीक है। हैदराबाद का जो है इनिशियल लेवल पे वो बोलते थे कि मुगल हमारा शासक है, बट वो धीरे धीरे उन्होंने उसको डिफाई कर दिया, ठीक है, हैदराबाद था, है ना, हैदराबाद 1757 तक की बात चल रही है। यहाँ पे आपका मराठास आ जाते हैं, द माइटी मराठास, ठीक है। इनकी इनका क्या था कि इन्होंने भी पूरा सब कॉन्टिनेंट पे ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था, बट इनके सक्सेसर्स और इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में क्या हो गया ना, ये
चीज़ सब गड़बड़ा गया, ठीक है, बट स्टिल दे हैड ह्यूज आर्मी एंड ह्यूज पावर। 1757 आ गए। अब 1757 में गिर जाता है, यहाँ से ब्रिटिश का धीरे धीरे अपना पकड़ चालू हो जाता है। और ओवर द टाइम हम ये मान के चलते हैं कि 1757 में अपना ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। 1757 में काफ़ी लोग बोलते हैं, बट ठीक है, जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से पढ़ लीजिए, कोई नहीं पूछेगा कि मॉडर्न कब शुरू होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गए 1757 से लेकर के 1957 था, इसमें एक एक ब्रेक है, ठीक है। ये आपका कंपनी रूल था, ठीक है। 1757 एग्जैक्ट नहीं था, 1764 था जहाँ से कंपनी रूल शुरू होता है एक्चुअली, बट 1757 मान के चलते हैं, जहाँ पे सिराजुद्दौला का जो हारा और वो जो किले का गेट खोला, वहाँ से ही मान के चलते हैं कि अपना ये कंपनी शासन था। यहाँ पे क्वीन का शासन आ गया, ठीक है, ये क्वीन का शासन आ गया। और फिर उसके बाद आज़ादी का आंदोलन। अब इसमें फर्दर सब पार्ट्स भी हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ये आपका आज़ादी का आंदोलन था, कोई ना गई ना। अभी इसमें क्या था कि 1857 के बाद फ्रीडम मूवमेंट इसमें बहुत स्ट्रांग हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस और भी रीजनल ये थे, रीजनल पार्टीज़ वगैरह थी, रीजनल एसोसिएशंस वगैरह थे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व बढ़ता चला जाता है 1857 के बाद से, और अप टू 1947 तक तो काफ़ी कुछ हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो खैर बाद में आया है, मतलब एज इन ईस्ट पाकिस्तान। तो ये मोटा मोटी अपना टाइमलाइन है, ठीक है। इसमें कई बारीकियां हैं, जहाँ पे बारीकियां होंगी जो पॉइंट आउट करना होगा वो मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है मित्रों। तो ये आपका, अब ये मान, अब इसमें क्या आता है ना, हम इस पर चलते हैं पहले कि एंशंट में हमने देख लिया कि क्या क्या किस किस पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और इंसिडेंट में क्या रह गया, ठीक है। अभी अपन इस सीधा मूव करते हैं टॉपिक पे, ठीक है। इसमें मैंने नोट्स बनाए, ये मेरा नोट्स है, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से उठाया हुआ है, किसी किताब से ही उठाया, एनसीईआरटी और गूगल करके और जो भी किताब मिलते थे, वो जो बिपिन चंद्रा का किताब है वो भी मैंने इसमें पढ़ के डाला हुआ है। हाँ, साउथ का भी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा है, ठीक है। साउथ का एक तमिलनाडु का एक बुक 9th-10th का लेवल का शायद आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ें, वो अच्छी किताब है, ठीक है। तो उसका भी मैंने मटेरियल कोशिश किया है कि अपने पूरे सीरीज़ में मैं डालता जाऊँ, ठीक है। मोस्टली वो एंशियंट और इसमें ही हैं, एंशियंट मेडाइवल में ही वो पंगे हैं, मॉडर्न में ये पंगा नहीं है, क्योंकि मॉडर्न में देशव्यापी जो ज्ञान है वो आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाता है। बट क्या ना कि जो अपने इस नॉर्थ इंडिया में जो भी बिहार यूपी ये सब में होते हैं, जो भी एनसीईआरटीज यहाँ पे चलती हैं, उनमें साउथ इंडियन किंगडम्स का ना बहुत कम वर्णन है, बस बता दिया कि ये एक है, और जो मुगल एम्पायर है, दिल्ली सल्टनेट है, इसको बहुत विविडली बताया है, ठीक है, बहुत बढ़िया से बताया, बहुत ये करके बताया, मतलब डिस्क्रिप्टिव बताया, जैसे आपको स्कॉलर ही बनाना हो, हिस्ट्री का जरूरत नहीं था इतना इसमें ऐसे बताने का, बट बताया गया है। बट फिर आप गुप्त साम्राज्य में आएंगे तो फिर गुप्त साम्राज्य में भी ठीक ठाक बताया, लेकिन गुप्त साम्राज्य से लेकर के आपका सल्तनत के बीच का जो समय है उसमें ज़्यादा कुछ अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको आप याद भी करेंगे कि भाई मैंने स्कूल में क्या पढ़ा था, आपको याद भी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे जो था ना, एक बामानी किंगडम था ना, बामानी बहुत ये फेमस था, बेदार, बामानी और गोलकुंडा और एक और कोई था, ठीक है, वो देख लेंगे टाइम पे, ठीक है मित्र। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था टाइमलाइन का, मैं समय हूँ और समय में ये सब चला है, ये घटित हुआ है। अब इन जो चीज़ को आपने अभी देखा, इसको हम लोग और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते जाएंगे, और देखिएगा कितना स्मूथली ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। क्वेश्चंस लगाइए, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, अपने पास कि अपने को क्वेश्चन लगाने हैं, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, अगर ये आपका सवाल है तो मिनिमम, अगर आप ऐसा एज अ कंटेस्टेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, राइट, तो आपको मिनिमम 50 तो लगाना ही है, 50 टेस्ट पेपर्स, ठीक है। बस लगाना ही नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है, ठीक है। लगाने में आपको कितना लगेगा, 90 मिनट्स मैक्स लगना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट्स आप बबल भी तो फिल करेंगे ना, 30 मिनट्स बोल दो इसको, ठीक है। और इसको एनालाइज करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आवर्स। अब ये होता है ना कि अपन ने किसी का सवाल सही भी कर दिया, लेकिन जब आप किसी भी विजन आईएएस का उठाएंगे या फिर इनसाइट का उठाएंगे या किसी का भी उठाएंगे,
आपने किसी का आंसर सही बोला है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, आप उसको भी पढ़ जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे और ये हो जाएंगे। अब तो काफ़ी, मतलब इस बार के लिए तो काफ़ी लेट हो रहा है, स्टिल आप यहाँ से अगर 25 भी लगा लें तो वेल एंड गुड। डोज एक एक लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए, बाकी रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। आखिरी के 10 दिन में सिर्फ रिवाइज़ कीजिए, और क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों ने टेस्ट पेपर से लगा लिया होगा। लेकिन जो 24 के लिए हैं, 24 वाले हैं, उनके लिए 2024 में जिन जो UPSC दे रहे हैं, ठीक है, या जो भी PCS दे रहे हैं, उनके लिए मैं अलग से NCERT की सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है, 6 to 12 का, ठीक है, NCERT सीरीज़ लेके आऊँगा। और बाकी ये वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही, तो 6 to 12, और आपको 100 टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। अगर आपने साल भर में ये 100 टेस्ट पेपर्स लगा लिए और आखिरी में और 20-25 लगा लिए, तब तो आप तो बल्ले बल्ले है, फ्री तो कहीं नहीं जा रहा मेंस तो आपके ऊपर है। होता क्या ना, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए आप। आपको ऐसा अगर लग रहा है ना कि यार मैं लिखूं कैसे, आंसर लिखने का जो प्रैक्टिस है, ये प्री क्या है, प्री तो आपको बुलबुले भरने हैं और हो जाना है काम, ठीक है, इसको मिटाने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं, अब तो ऊपर ही चलते हैं। आंसर राइटिंग की बात हो रही थी, राइट, आंसर राइटिंग की जो बात हो रही थी, मैं एक छोटा सा गाइड कर देता हूँ आपको, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए और भी लोग जुड़ेंगे इस चैनल से, वो इस पर ये काम करेंगे। आंसर राइटिंग की जहाँ तक बात आती है, इसमें आपको क्या करना है ना कि आपको अगर इनिशियल लेवल पे हैं, आप 24 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनिशियल लेवल पे हैं, आपको नहीं पता है कि आंसर कैसे लिखा जाता है, राइट, तो आप क्या कीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, कोई आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, आप जो उसमें आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ठीक है, 4-5 आर्टिकल तो होते ही हैं छोटे बड़े मिला करके। आपका इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़िए, मैं इंडियन एक्सप्रेस से ज़्यादा बताऊँ बोलूँगा पढ़ने के लिए, मोस्टली मैंने भी जब तैयारी की थी तो मुझे भी इंडियन एक्सप्रेस ही बताया गया था। हिंदू इज़ गुड न्यूज़पेपर, बट क्या ना, कितना वो क्रिटिक लिखता है ना, कि अगर आपको पॉजिटिव पॉइंट चाहिए हो तो फिर वो कम पड़ जाते हैं, और अब जिस सरकार के अंडर हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, राइट। तो इस बहस में ना पड़ते हुए कि हिंदू सही बताता है और इंडियन एक्सप्रेस में कम लिखा रहता है, इंडियन एक्सप्रेस में प्रो गवर्नमेंट लिखा रहता है, ये सब डिबेट में मत पड़िए, ये डिबेट आपके लिए काम का नहीं है, ठीक है। आपके लिए काम का क्या है कि आपको लिखने आना चाहिए, तो लिखने आना चाहिए तो जब आप ये आर्टिकल्स पढ़िए, ठीक है, 1 एट अ टाइम एक आर्टिकल पढ़िए, अगर आप मतलब स्लो हैं थोड़े, ठीक है, एवरेज से लेकर के स्लो के लिए क्या है कि आप एक आर्टिकल पढ़िए, ठीक है। अब आपने आर्टिकल पढ़ लिया तो उस आर्टिकल में आप क्या कीजिए कि उसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, क्या क्या मैंने पढ़ा है। एक आपने जैसे समरी लिखना होता है ना, अब वो आर्टिकल में होगा कम से कम आपका 2000 वर्ड्स का, 2000 लेटर्स वर्ड्स का होगा, सॉरी वर्ड्स, आपको लिखना है उसको 200 से 300 वर्ड में, बस आप ये किया जो भी इसको लिखा है आपके दिमाग में समझ में आया वो आर्टिकल आप वो लिखिए अपनी लैंग्वेज में, और कुछ नहीं करना आपको। आप एक या दो एक आर्टिकल पर रोज़ ट्राई कीजिए। हाँ, पॉलिटिक्स वाले आर्टिकल की भाई फलाना जगह से ये हो गया, ढिकाना जगह से ये हो गया, जो पॉलिटिक्स में आजकल भी आता ही रहता है ना कि जो आप इसका पढ़ेंगे, PG चिदंबरम का पढ़ेंगे, तो BJP को लेकर के कुछ कमेंट है या फिर किसी और को लेकर कमेंट है, तो पार्टीज वाली कमेंट पर मत जाइए, जो देश की इश्यूज़ हैं या देश से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है तो बस आप उसको ही पढ़िए, मजाक के लिए आप पढ़ सकते हैं बट दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो आप पहले ये कर लीजिए। दूसरी बात, पेपर पढ़ने का दूसरा एक ये और तरीका है कि आप आर्टिकल से शुरू कीजिए। होता क्या ना कि आप पहले पेपर से शुरू करते हैं, पढ़ते 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 आप क्या होता है कि आप फ्रेश होते हैं उस टाइम पर, तो आप ना कुछ ज़्यादा ही पढ़ जाते हैं और आर्टिकल तक पहुँचते पहुँचते वो एनर्जी जीरो हो गई होती है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है आपको, आप आर्टिकल से ही शुरू कीजिए, सीधा आप बीच का पन्ना खोलिए, आगे का देख लीजिए, पर हाँ, बीच का सीधा खोलिए, आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल लिखिए, ठीक है, खुद ही लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद ही फिर प्रैक्टिस कीजिए, आप धीरे धीरे लिखना बस शुरू कीजिए। इससे क्या होता है ना कि ओवर द टाइम ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ्स आपका लिखने का स्किल इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आइए आप आंसर राइटिंग पे, तब आप देखेंगे कि आपके लिए ईजी एंट्री है, ठीक है। आप सीधा आंसर राइटिंग करने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा यार क्या लिखूँ, नहीं लिखूँ यार, ये पॉइंट वो पॉइंट ऐसे पॉइंट, तो ये होमवर्क आपको आर्टिकल से ही कर लेना है। जैसे ही आप ये आर्टिकल से होमवर्क कर लेते हैं आपका इजी एंट्री हो जाएगा इस गेट में, आप आराम से आंसर लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, आपके दिमाग में मटेरियल फीड होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप जो ये रिहर्स कर रहे हैं ना 1 महीना 2 महीना की, आर्टिकल पढ़ा और उसको दिमाग में सोचा और उसको लिखना रिहर्स किया जो आपने, तो वो 2 महीना का जो रिहर्सल है वो आपको आंसर राइटिंग में आपके दिखने लग जाएगा। आपको ये चीज़ आप करके देखिए ना, आप 10 10 दिन करके रखिए, ठीक है,
एक हैबिट फॉर्मिंग के लिए बोलते हैं 21 डेज तक आप लगातार किसी चीज़ को कीजिए तो आपके अंदर वो हैबिट बन जाता है। तो आप 21 डेज करें, आपका देखिएगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा इस सेक्टर में। ठीक है मित्रों, तो ज़्यादा इस तरह का बात ना करते हुए अपन डायरेक्ट मूव करते हैं। ऑलमोस्ट 34 मिनट्स का, 35 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है और हम इसको और नहीं बढ़ाएंगे, हम लेके आते हैं। अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और मुझसे जुड़ने के लिए आप, यही हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए आप आ जाइए GREX1192। ठीक है, ये मेरा इंस्टा आईडी है। और दूसरा क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये दूसरा है। ठीक है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत कमी है। ठीक है मित्रों, चलिए टाटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, राइट।